वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट देखने वाले। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो सबके अपडेट तुरंत आपको मिल जाए। जैसे कि आपको सबको पता ही है, डिप्लोमा से 1, 2, 3, 4 और बी 1, 2, 3, 4 और फार्मेसी हो, बीडीडीसी हो, सब भी कोई भी ब्रांच का अभी तक रेमेडियल रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका रेमेडियल रिजल्ट कब आएगा। सेम 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि आपका रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल आ जाए। और जब भी डिप्लोमा की हम बात करें तो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट तो यस्टरडे को डिक्लेयर हो गया था, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो कब आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। और जो विथिन अ 1 वीक में JTU रेमेडियल स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट कर दी है, डिप्लोमा और डिग्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, PDDC फार्मेसी दूसरी ब्रांच के लिए मैंने बता रहा हूँ, वो भी रिजल्ट 1 वीक में आते हैं, 1 वीक में एक रिजल्ट देते। तो अभी बारी है बी सेम 4 की, क्योंकि डिप्लोमा सेम 5 का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, तो अब आने वाला है 4 का भी अपडेट हो चुका। यहाँ पर मैंने लिखा, बट मेरे पास ओल्ड फोटोज था इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। आ गया है तो देख लीजिए और नहीं आया है तो भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखते रहिए। और जैसे ही आपके रेमेडियल रिजल्ट की अपडेट आ जाएगी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप 100% देखना, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कहीं बच्चे पे मेरे वीडियो के कमेंट पर लगते हैं, सर MP यानी मास प्रमोशन हटा नहीं दिया ना, मास प्रमोशन का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना क्यों डिले हो रहा। तो इसका इन शॉर्ट आंसर है, मैं GTU की हेल्पलाइन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ पर आप जाइए और अपनी एग्जाम के लिए वो कौन कीजिए कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों डिले हो रहा है, सब क्वेश्चन आप GTU की हेल्पलाइन नंबर पर उसको पूछ सकते हो और उसका आंसर आपको मिल सकता है। मैंने जो अपडेट मेरे पास थी मैंने आपको बता दिया, मैंने इतना काम किया तो आप भी थोड़ा घना काम कर दीजिए। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, रेमेडियल रिजल्ट थोड़े ही दिन में आने वाले, 1 वीक में एक रिजल्ट अपडेट करते तो आपके लिए गुड न्यूज है। और आपका रेमेडियल का रिजल्ट आ जाने के बाद आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको कन्वोकेशन सर्टिफिकेट आएगा और कन्वोकेशन सर्टिफिकेट में आपको फोटो चेंज करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि ओल्ड फोटो होगा और ओल्ड फोटो आपके कन्वोकेशन सर्टिफिकेट में आएगा तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको कैसे फोटो चेंज करना है वो भी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी देखना और GTU को मेल भी करना। इतनी अपडेट निकल कर आ रही है रिगार्डिंग द रेमेडियल रिजल्ट, वो सब आप देखना, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम खत्म हो गई है फेज 1 फेज 2 की, आप रेमेडियल स्टूडेंट हो, आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो भी रिजल्ट आ रहा है तो इतनी तो खुशी बनती है, इतना वेट करना ही पड़ता है क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया तो डिले होगा ही होगा। इतनी अपडेट निकल कर आ रही है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सब वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मैं दूसरा आपको ये बताने वाला हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी एग्जाम होने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की वैकेंसी जो भी निकल कर आ रही है उनके वीडियो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, करंट अफेयर के हो, जनरल नॉलेज के हो, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आ रही है सबके वीडियो में अपडेट करता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देखना, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।